एक बार की बात है, किसी गांव में मोहिनी अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मोहिनी की चाची कावेरी बहुत ही दुष्ट औरत थी। कावेरी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मोहिनी उसके घर में रहे। कावेरी मोहिनी को बहुत ज्यादा परेशान करती थी ताकि मोहिनी उसके घर से भाग जाए। कावेरी मोहिनी से घर का सारा काम कराती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। कावेरी मोहिनी को सिर्फ एक वक्त का ही खाना देती थी, वो भी रूखा सूखा। अरे ओ मोहिनी की बच्ची, इतनी आराम आराम से काम क्यों कर रही है? तुझे पता नहीं क्या, आज मेरी बहन मुझसे मिलने आ रही है। घर की अच्छे से सफाई कर और स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना बना, और खाना बनाने के बाद खाने की तरफ आग उठाकर भी मत देखना। जी चाची जी, मैं सारा काम कर दूंगी और खाना बनाकर भी रख दूंगी। बेचारी मोहिनी बिन माँ बाप की बेटी सारा दिन काम करती रहती थी और अपनी चाची की मार भी खाती थी। शाम होते ही कावेरी की बहन कोमल घर आ जाती है। दोनों बहनें बहुत मजे से खाना खाती है। मोहिनी को बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए वो अपनी चाची के पास आती है और कहती है, चाची जी मेरे खाने का समय हो गया है, क्या मैं खाना खा लूं? अरे ओ मनुष्य, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं अपनी बहन से बातें कर रही हूँ? अपनी मनुष्य शक्ल लेकर कहीं भी आ जाती है, अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। खाने का समय हो गया है, खाना दे दीजिए। मनहूस कहें कि ऐसा कहकर कावेरी उठती है और कल रात की बची हुई रोटी मोहिनी के आगे फेंक देती है और उससे कहती है, ये ले भर ले अपना पेट। मोहिनी जैसे तैसे खाना खा लेती है और पानी पीकर सो जाती है। सुबह होने के बाद मोहिनी रोज की तरह काम में जुट जाती है। कावेरी और कोमल दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। दीदी क्या आपने सुना है, शहर गांव में एक ब्यूटी कंपटीशन होने वाला है। मैं यहाँ पर आपके पास इसलिए आई हूँ, मुझे ब्यूटी कंपटीशन में जाना है और जीत कर भी आना है। और अब तो मेरी सुंदरता को जानती हो कि मैं कितने सुंदर हूँ। लेकिन दीदी उस ब्यूटी कंपटीशन में सिर्फ लहंगा पहन कर ही जा सकते हैं, आपको मुझे एक लहंगा दिलाना होगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तू तो मेरी छोटी बहन है, मैं तुझे अच्छे ब्रांड का लहंगा दिलवाऊंगी और देखना तुम इस ब्यूटी कंपटीशन को जीत कर आओगी। मोहिनी कावेरी और कोमल की बातें सुन लेती है। मोहिनी बहुत सुंदर थी और वो भी ब्यूटी कंपटीशन में भाग लेना चाहती थी, इसलिए वो मन ही मन कहती है, कंपटीशन में जाने का तो मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन चाची जी लहंगा दिलाएंगी या नहीं पता नहीं। एक बार मैं चाची से बात कर देखती हूँ, हो सकता है वो मुझे लहंगा दिला दे। ऐसा सोचकर मोहिनी अपनी चाची के पास जाती है और कहती है, चाची जी मैं भी ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ, मुझे भी लहंगा दिला दो ना, कोई भी सस्ता सा। दीदी इस नौकरानी की हिम्मत कैसी हुई आपसे लहंगा मांगने की, और वैसे भी इससे ज्यादा सुंदर तो मैं हूँ। ये कंपटीशन ना मैं ही जीतूंगी, तो इसके जाने का कोई फायदा नहीं। और आप इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे, आपने इसको कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। कह तो तू सही रही है, रुक इसको मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर कावेरी मोहिनी को बहुत मारती है। देखा मनोज, तेरी औकात मेरे सामने दो कौड़ी की है, और तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी की तरह रह। लहंगा चाहिए महारानी को, आज के बाद अगर मुझसे कुछ भी मांगा तो आज तो सिर्फ मारा है, अगली बार घर से बाहर भगा दूंगी। पता नहीं कौन सा मनुष्य दिन था जो इसके माँ बाप इसको यहाँ छोड़कर चले गए। दीदी छोड़िए ना, इसकी वजह से आप अपना दिमाग मत खराब कीजिए, चलिए हम लहंगा खरीदने चलते हैं। इसके बाद कोमल और कावेरी दोनों लहंगा खरीदने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मोहिनी बहुत रोती है, क्योंकि कावेरी ने मोहिनी की बहुत पिटाई करी थी। मोहिनी के शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मोहिनी अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाती है और रोते हुए कहती है, माँ आप देख रही हो मेरी किस्मत कितनी खराब है, आप दोनों मुझे छोड़कर स्वर्ग में आराम से रह रहे हो और मैं यहाँ पर नर्क जैसी जिंदगी जी रही हूँ। चाची मुझ पर बहुत अत्याचार करती है, मैं ब्यूटी कंपटीशन में जाना चाहती हूँ मगर जा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास लहंगा नहीं है। माँ अगर आज आप होती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता, मेरा हर एक सपना पूरा होता। माँ आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? माँ
इतना कहकर मोहिनी और जोर जोर से रोने लगती है। तभी मोहिनी को एक आवाज आती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि मोहिनी की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर में से आ रही थी। हाँ मेरी बच्ची, मुझे पता है तेरे ऊपर कितना अत्याचार होता है, लेकिन तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जरूर जाएगी मेरी बेटी। मुझे पता है तेरा बचपन से ही सपना था ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जाना। मेरी बेटी, तुझे एक लहंगे की जरूरत है ना? मैं तुझे एक जादुई लहंगा देती हूँ। माँ, आप मुझसे बातें कर सकती हो? आज मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुनकर। सच में माँ, आप मुझे जादुई लहंगा दोगी? सच में मैं ब्यूटी कॉम्पिटिशन में जा सकती हूँ? बेटी, मैंने तेरी अलमारी में जादुई लहंगा रख दिया है। अलमारी को खोल कर देख तो उसको ब्यूटी कॉम्पिटिशन में पहनना। मुझे पता है कॉम्पिटिशन तू ही जीतेगी। मोहिनी अपनी माँ के कहे अनुसार अलमारी खोलती है। मोहिनी देखती है कि सच में अलमारी के अंदर एक जादुई लहंगा रखा हुआ है, जिसे देखकर मोहिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोमल और कावेरी भी घर आ चुकी थी। वो दोनों भी एक सुंदर सा लहंगा लेकर आती है, लेकिन जादुई लहंगे के सामने उनका लहंगा कुछ नहीं था। ए मोहिनी, कहाँ पर है? जल्दी से हमारे लिए फ्रेश फ्रेश जूस लेकर आ। ऐसे ही समय बीत रहा था और वो दिन आ जाता है जिस दिन ब्यूटी कॉम्पिटिशन था। कोमल और कावेरी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में चली जाती है। मोहिनी भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन में चली गई थी, क्योंकि मोहिनी उस लहंगे को पहनकर पहले से भी बहुत ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। किसी की भी नज़र मोहिनी से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि उसका लहंगा बहुत ही चमक रहा था। मोहिनी उस ब्यूटी कॉम्पिटिशन को जीत जाती है, जिसे देखकर कोमल और कावेरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और घर आने के बाद कावेरी मोहिनी से कहती है, क्यों रे मनोज, जब तेरे पास इतना सुंदर लहंगा था फिर तो मेरे पास क्यों आई थी? अब मुझे सच सच बता, तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? चाची जी, मुझे ये लहंगा मेरे स्वर्गवासी माँ ने दिया है। ये कोई मामूली लहंगा नहीं है, ये एक जादुई लहंगा है। इस लहंगे को जो भी पहनेगा वो बहुत सुंदर हो जाएगा। दीदी, ये कह तो बिल्कुल ठीक रही है। जब इसने ये लहंगा पहना था तो ये कितनी सुंदर लग रही थी। अब इसे ये लहंगा छीन लेना चाहिए। ये जादुई लहंगा लो और इसको घर से बाहर भगा दो। उसके बाद हम इसी लहंगे को पहनकर और भी सुंदर हो जाएंगे और बड़े बड़े कॉम्पिटिशन में भाग ले लेकर जीतेंगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। कोमल के इतना कहने पर कावेरी मोहिनी से लहंगा छीन लेती है और कोमल को दे देती है। जैसे ही कोमल वो जादुई लहंगा पहनती है, वैसे ही वो बहुत काली हो जाती है। कावेरी वो सब देखकर बहुत चौंक जाती है। तभी वो लहंगा बोल पड़ता है, ये एक जादुई लहंगा है, ये सिर्फ अच्छे लोगों के लिए है, बुरे लोगों के लिए नहीं। तुमने मोहिनी के ऊपर बहुत अत्याचार किया था और तुम्हारी जगह तुम्हारी बहन को इसकी सजा मिल गई। अब तुम्हारी बहन हमेशा के लिए बदसूरत हो गई है और इसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। तुम भी हमेशा हमेशा के लिए बदसूरत हो जाओगी। तभी उस जादुई लहंगे से एक रोशनी बाहर आती है और सीधा कावेरी के ऊपर जाती है। उस रोशनी से कावेरी बहुत ही ज्यादा काली हो जाती है। उसके बाद मोहिनी अपना जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। और अब मोहिनी बहुत अमीर हो चुकी थी। अब वो गरीब बच्चों की भी मदद किया करती थी और अब खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।